मैं उनसे कहता हूँ ना अच्छी राजनीति चाहिए ना बुरी राजनीति चाहिए, राजनीति करो देश के बाहर, जैसे अमेरिका करता है, सारी दुनिया को लड़ाता है और अपने देश में कम से कम राजनीति करता है, हम भी अपने देश में। सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, हर्ष का दिन इसलिए कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो पे मैंने पूछा था क्या हम पेंशन की जड़ में जाना चाहेंगे, पेंशन जैसे जो ईपीएस 95 की पेंशनर की पेंशन जो नहीं बढ़ती, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, राजनीति की जड़ में जाना चाहेंगे, तो सब लोगों ने कहा हाँ, यस कहा, बहुत सारे लोगों ने यस कहा, और इसलिए अब ये सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से कि भाई राजनीति की प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ये नेता जो हमारे द्वारा चुने हुए हैं और हमको हमारा हक और अधिकार नहीं देते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए एक मेरी किताब भी है, राजनीति में भूचाल, तो आज का मैं सोच रहा हूँ टाइटल भी यही रखूँगा, राजनीति में भूचाल, और आज हम बात करेंगे विस्तार से, और ये सीरीज में रहेगा। नोटा पे भी बात करेंगे, नोटा क्यों चाहिए ये भी हम बात करेंगे, और नोटा का मतलब क्या है ये भी बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जब वीडियो शुरू करेंगे तो एक तो आप सबको बड़ी हर्ष के साथ, खुशी के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि ये जो मिनी संसद वाला चैनल है हमारा चैनल, जो आपका मेरा सबका दिलो जान से, मेरे तो दिल के बहुत करीब है, मिनी संसद यानी ऐसी संसद, बड़ी संसद में बड़े लोग बैठते हैं, ये तो छोटी संसद है और यहाँ पूरे देश जहान की बातें होती हैं। तो आज इसने अपने 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, यानी कि 50,000 लोगों ने मिनी संसद के साथ जुड़ गए और वो अब हमारा 50,000 का परिवार बन गया। तो उन 50,000 लोगों को आज बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस काबिल बनाया मिनी संसद को, कि आज हम 50,000 के पड़ाव को पार कर गए। जल्दी हम लाख का भी पड़ाव पार करेंगे, फिर मिलियन में भी जाएंगे, लेकिन अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने हाफ सेंचुरी मार दी, इस पिच पर हाफ सेंचुरी मार दी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आप सब लोगों का है। तो आप सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग, विश्वास और प्यार से, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे चैनल हैं जो दूसरे नेताओं की वीडियो चलाकर आगे बढ़े हैं, कोई किसी नेता की वीडियो चला देता है, कोई किसी घटना से बढ़ जाते हैं, लेकिन मिनी संसद धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन अपने दम पर बढ़ा है, और मेरी बात को आपको अच्छी लगी है तो उस वजह से बढ़ा है, ना कि मैंने किसी और की बात डाल दी, किसी नेता की बात डाल दी, मोदी की डाल दी, राहुल की डाल दी और उस पर मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए। तो ये जो मैंने मेरी कमाई है, जो हमारी कमाई है, ये अपनी कमाई है, किसी नेता की कमाई नहीं है, इसलिए मिनी संसद बहुत ऑथेंटिक हो जाता है और बहुत ही वैल्यूबल हो जाता है। चलिए मिनी संसद को बहुत बहुत बधाई, मिनी संसद की पूरी टीम को, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबको बधाई, और आप सबको जो देखते हैं उन सबको बधाई। देखिए राजनीति में भूचाल हम बात करेंगे, तो राजनीति में भूचाल लाने से पहले देखिए एक इसका जो किताब का एक जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग उसमें एक दो लाइनें लिखी हैं, वो दो लाइनें बता देती हैं कि राजनीति पूरी क्या है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन हमें ये याद रखना है साथ साथ कि नोटा हरियाणा में हमारा सबसे कारगर हथियार है इस समय, इस समय की उपयोगिता की वजह से, तो इसलिए हम सबको नोटा दबाना है और हरियाणा में अपना अपना कहते ना एक प्रोटेस्ट दर्ज करना है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि विरोध, असहयोग, सहयोग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स क्या हैं, डेमोक्रेसी की कमियां क्या हैं, और क्यों पेंशनर 10 साल से जूझने के बाद भी क्यों नहीं उनको उनका हक और अधिकार मिलता है, ये सारी बातें रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे राजनीति की, और एक बड़ी देखिए अक्सर मैंने एक जब कहानी सुनाई थी आपको तो आपको बहुत पसंद आई थी, तो एक कहानी और सुनाऊंगा, और उस कहानी में, कहानी के अंदर आपको सब पता लग जाएगा कि राजनीति होती क्या है और कैसे चलती है। सबसे पहले इस किताब को खोलते हैं, और इस किताब में से क्या है राजनीति, देखिए क्या है राजनीति, इसमें तो नहीं आएगा, खैर कैमरे में बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगा, और हमें राजनीति चाहिए कि नहीं चाहिए ये पता होना चाहिए, और राजनीति नहीं तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि भाई परिवार में भी लोग बोल देते हैं कि राजनीति मत करो, पार्टी के अंदर लोग बोल देते हैं राजनीति मत करो,
सब जगह अक्सर कॉमन लैंग्वेज में यही बोला जाता है यार राजनीति मत करो, यानी राजनीति कुछ ऐसी चीज है जो नहीं करनी चाहिए। तो राजनीति नहीं करनी चाहिए तो राजनीति कहाँ करनी चाहिए? देखो हर जगह हर चीज का कहीं ना कहीं उपयोग तो होता है, राजनीति का भी कहीं ना कहीं उपयोग तो होगा, ऐसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति कहाँ नहीं करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए वही सब इसके बारे में है। देखिए क्या है राजनीति, जो मैंने परिभाषा लिखी है, मेरी लिखी हुई किताब है, जिस नीति से हम राजा का चुनाव करते हैं, जिस नीति से हम राजा का चुनाव करते हैं उसे राजनीति कहते हैं। यह एक सिलेक्टिव अप्रोच है, सिलेक्टिव यानी सिलेक्ट करना, चूज करना। इसमें बहुतों में से एक का चुनाव किया जाता है, बहुत सारे लोग हैं, हमने एक का चुनाव कर लिया, क्योंकि मालिक जिसे हम राजा कह लें या मालिक कह लें, क्योंकि मालिक एक होता है, अतः राजनीति में सिर्फ सत्ता का केंद्रीकरण ही किया जा सकता है। ये मोटा मोटा फंडामेंटल है कि राजनीति का, अगर इसको संधि विच्छेद भी करोगे तो राज करने की नीति, और राज कौन करता है? राजा करता है। तो जिस भी तरीके से वो राज करने में समर्थ हो जाए उसे ही राजनीति कहेंगे। अब राजनीति का अब एक एग्जाम्पल करके मैं समझाता हूँ कि राजनीति को हम कैसे डिफाइन करेंगे। उदाहरण ले लीजिए, एक शराब की फैक्ट्री है, उसमें से क्या निकलेगा, एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? शराब ही निकलेगी। यानी कि अगर आप उसमें से अंगूर डालो, उसमें जौ डालो, कोई भी अच्छी चीज डालो, कोई फल फ्रूट डालो, बाद में सड़के शराब की फैक्ट्री शराब ही बनाएगी, ठीक है। इसीलिए राजनीति का फंडामेंटल ये है, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं कि राजनीति में कितने भी अच्छे लोग आए, कितने भी अच्छे अंगूर आए, सेब आए, संतरा आए, कुछ भी आए, कोई भी राजनीति में अच्छा आदमी आएगा तो वो अंत में कैसा हो जाएगा? शराब बन जाएगा। शराब यानी कि अंत के अंत में जब राजनीति में से निकलेगा ना वो, क्योंकि उसको साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, तो वो प्योर रह ही नहीं पाएगा। तो राजनीति एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कितने भी अच्छे लोग आते हैं, अंत में आके वो खराब हो जाते हैं, अगर खराब नहीं होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये राजनीति का लब्बो लुआब है। अब लोकतंत्र क्या है? लोगों का स्वयं पे शासन। अब लोकतंत्र समझ लो, लोगों का स्वयं पे शासन, और सेवा नीति के जरिए हम इसे स्थापित कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने राजनीति की बात की, अभी अब मैं आपको सेवा नीति की बात करता हूँ। देखिए, अब मैंने राजनीति बता दी कि लोगों को, लोगों पे राज करने की नीति राजनीति होती है, लेकिन देश में राजनीति ही चल रही है, सेवा नीति चल नहीं रही है। तो सेवा नीति की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो सेवा नीति की डेफिनेशन होगी जिस नीति से हम सेवक का चुनाव करते हैं, सेवक यानी नौकर का, उसे सेवा नीति कहते हैं। और ये कलेक्टिव अप्रोच है, सेवा नीति एक कलेक्टिव अप्रोच है। कलेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि बहुत सारे सेवक एक नहीं होता, राजा तो एक होता है लेकिन सेवक कई होते हैं, तो सेवा नीति में कलेक्टिव अप्रोच है। तो अब हम, और सेवा नीति से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, राजनीति से सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सेवा नीति से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ये मोटे मोटे फंडामेंटल्स हैं राजनीति का। अब सेवा नीति का एक उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए दवा की फैक्ट्री है, कोई दवा की फैक्ट्री है तो उसमें से क्या निकलेगा? एंड प्रोडक्ट। उस दवा की फैक्ट्री में से एंड प्रोडक्ट जो निकलेगा वो दवा ही निकलेगी, चाहे उसे हम किंग कोबरा का जहर डालें उसके अंदर, उसमें हम कच्चा माल कुछ भी हो, किंग कोबरा का जहर तो बहुत खतरनाक होता है, कहते हैं जहर से लोग मर जाते हैं, लेकिन उस जहर से भी दवाई ही बनेगी दवा की फैक्ट्री में। अल्कोहल ले जाएं, अल्कोहल से भी दवाई बनेगी। यानी कोई भी बुरी चीज आए तो सेवा नीति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कितने भी बुरे लोग आए, अगर वो एंड में या तो उन्हें अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छे नहीं हो सकते तो उनको सेवा नीति छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं, एक है राजनीति और एक है सेवा नीति। इस देश में राजनीति चल रही है, इस देश में सेवा नीति की जरूरत है, और शब्द भी गलत है। राजनीति खुद स्वयं ही कहती है राज करने की नीति, तो फिर काहे को राजनीति? चलिए ये तो हम एक बात कर दी, आज मैं सिर्फ राजनीति पे इतना बोलूंगा और एक कहानी सुनाऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल्स क्या है लोकतंत्र के। और नोटा आपको याद रखना है कि हरियाणा में हमारा जो हक और अधिकार मिलेगा वो नोटा से मिलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, बड़ी कहानी है जिससे आपको सब पता लग जाएगा कि राजनीति चलती कैसे है। और आज का ये वीडियो भी राजनीति में भूचाल की बात कर रहे हैं हम। तो मैं अब आपको एक उल्लू की कहानी सुनाता हूँ, और बड़ी आपको रोचक लगेगी। उल्लू की कहानी मैं निकाल लेता हूँ, देखिए, और हाँ सुनिए। एक अमावस की रात में, घनी अंधेरी रात में, एक उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ था। मतलब बहुत घनी रात थी, अमावस की रात, काली रात थी, और एक उल्लू बैठा हुआ था।
अंधेरी रात थी, दो छछूदर, छछूदर यानी समझ लो आम आदमी, छछूदर किसी पोल में रहते थे, किसी बिल में कहीं आसपास रहते होंगे दो छछूदर, वो निकले डरे हुए, उन्हें कोई देख ना ले और उन्हें कोई पकड़ ना ले। तभी उल्लू ने ऊपर से कहा हु, उल्लू तो भाई आवाज करता ही है, हु करके आवाज करता है, तो उल्लू ने कहा हु। छछूदरों ने समझा ये उल्लू क्या अंग्रेजी बोलता है, उन्होंने WHO हु समझ लिया होगा, इसलिए उन्होंने कहा, छछूदरों ने समझा क्या ये उल्लू अंग्रेजी बोलता है, हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा में बात करना पसंद नहीं करता, तमिलियन है तमिल में बात नहीं करेंगे, हिंदी बोलते तो हिंदी में बात नहीं करेंगे, पंजाबी में बोलते तो पंजाबी में बात नहीं करेंगे, हम सबको विदेशी भाषा पसंद आती है, अंग्रेजी या विदेशी का मतलब जो भी भाषा हमारी ना हो उसमें बात करेंगे, तो हर उल्लू ऐसा समझता है कि बहुत कॉन्फिडेंस आ गया उसको, बहुत अच्छी बात करता है, तो जितने भी उल्लू है वो देसी भाषा में बात करना पसंद नहीं करते, वो विदेशी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। तो छछूदरों, मैं कहा था, हाँ, छछूदरों ने समझा कोई ये तो अंग्रेजी बोलता है, हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा में बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए शक नहीं कोई आश्चर्य नहीं, छछूदरों ने बहुत अखबार देखे थे, पढ़े थे, सुने थे, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी उन्हें भी आती थी। उन्होंने समझा ये पूछ रहा है हु माने कौन। छछूदर वैसे ही डरे हुए थे, निकलते वक्त उन्होंने देखा था अंधेरे में भी कौन देख सकता है, किसने पूछा हु, तो उन्होंने पूछा क्या आप हमको देख रहे हैं। तो छछूदरों ने ये समझा यार ये अंधेरे में कौन देख रहा है जो हमें हु पूछ रहा है, कौन कौन, तो इसका मतलब कि अंधेरे में देख रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो कला होगी। उल्लू ने फिर कहा हु, हालांकि छछूदरों ने समझा यू यानी तुम, तो छछूदर और डर गए, छछूदरों ने समझा यार ये फिर अंग्रेजी बोल रहा है, फिर उसने हु ही कहा लेकिन छछूदरों ने उसको यू समझ लिया, यू माने तुम, तो उन्होंने कहा यार अभी तक तो इसने पहले हमें देख लिया, अब ये कह रहा है तुमको ही देख रहा हूँ, यानी और किसी को नहीं देख रहा, हम ही से बात कर रहा है। छछूदर पशुपेश में पड़ गए, बहुत घबरा गए, उन्होंने क्या आपको अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है, अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, सतयुग में ऐसा होता था, कुछ लोगों को अंधेरे में दिखाई पड़ता था, वो सर्वज्ञ होते थे, त्रिकालदर्शी होते थे, अंधेरे में देखने वाले लोग होते थे, अब कलयुग में कहाँ किसी को अंधेरे में दिखाई पड़ता है। उल्लू ने फिर कहा हु, छछूदरों ने कहा ये समझा टू, TWO2 यानी कि दो, भाई उल्लू तो हु ही कर रहा था लेकिन छछूदर फिर समझ गए टू, उन्होंने कहा यार दिखाई पड़ता है, तभी इन्होंने दो देख लिया, वे तो घबरा गए, निश्चित ही कोई सतयुगी पुरुष है, शायद धर्म की हानि हो गई है, इस कारण अवतार लेकर मौजूद हुआ है। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और कहा कितना अच्छा ना हो कि आप सब राज्य का कारोबार संभाल लें, यानी आप हमारे नेता बन जाएं। उस उल्लू को कहा छछूदरों ने कि आप इतने ज्ञानी हैं तो आप क्यों ना राज्यभार संभाल लें और हमारा नेता बन जाएं और सारा राज्य का कारोबार संभाल लें। और उन्होंने अपने राज्य के एक मंत्री के पास जाकर निवेदन किया कि राज्य को एक ऐसे नेता को खोजने की जरूरत नहीं, एक ऐसा नेता मिल गया है जो प्रज्ञाशील व्यक्तित्व है, जो अंग्रेजी बोलता है, हमें तो अंग्रेजी बोलना आती नहीं, अगर भारत के से बाहर जाएगा तो बहुत से विद्यालयों में उसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है, और जिसको अंधेरे में दिखाई पड़ता हो उसके हाथ में अगर मुल्क हो तो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अंधेरे में दिखाई पड़ना बहुत बड़ी कला है। मंत्री अभी अभी चुना गया था, ऐसा नहीं था कि राज्य में कोई और लोग नहीं थे, कोई और नेता नहीं था, लेकिन गधों के अतिरिक्त मंत्री बनने को कोई राजी नहीं था, सारे गधे ही मंत्री बनने को तैयार थे, तो गधे को ही मंत्री बना दिया गया, तो मंत्री ने कहा यार अब क्या करा जाए, अभी अभी वो नया चुना गया था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए बहुत प्रभावित हुआ कि अंग्रेजी बोलते हैं और अंधेरे में भी देखते हैं, तब जरूर मैं चलूं उसकी परीक्षा लूं, अगर ये बात सही है तो उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। वह गया, अपने दो चार मंत्रियों को साथ ले गया, उसी वक्त वे गए, राज्य के को नेता की जरूरत थी, उन्होंने जाकर पूछा, प्रश्न किया, और प्रश्न पूछने में उन्होंने कोई दिक्कत हो गई, तो कैसे मंत्री किसी का इंटरव्यू लेते वक्त हो जाती है, अक्सर प्रश्न पूछने में दिक्कत हो जाती है, कोई प्रश्न पूछना बड़ी एक कला है, हम पत्रकार तो पूछते ही हैं लेकिन हर किसी को दिक्कत हो जाती है, अब पूछे तो क्या पूछे, इतना महान आदमी, इतना बड़ा आदमी, कहते ना कभी कभी स्पीचलेस हो जाता है आदमी, अब किसी नरेंद्र मोदी जी के सामने पहुंच जाए, राहुल के क्या ही पूछे, अरे देख लिया इतने महान आदमी के दर्शन कर लिया, क्या प्रश्न पूछे, इनके साथ एक फोटो ही खिंचवा लें, इस तरह का माहौल हो गया था कि उल्लू के पास जाकर उनकी बोलती बंद हो गई थी गधों की, तो उन्होंने कहा यार क्या इतने बड़े आदमी को क्या ही देखें, तो गधे ने कहा
अब हम कहाँ पहुंचे? हाँ, इंटरव्यू क्या लें, उत्तर देने वाले की दिक्कत हो तो दूर करें, पूछने में क्या समय व्यर्थ करें। तो उन्होंने जाकर एक बार फिर कोशिश करके पूछ लिया, आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास कितने छचूदर हैं? उसने फिर बोला हु, उन्होंने समझा टू, ओ हो, उन्होंने फिर समझा टू, तो उन्होंने कहा अच्छा दो, क्या आपको अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है और आप हमारे राष्ट्रपति हो जाइए, क्योंकि आप ये तो टेस्ट पास कर गए कि आपको भाई आपने फिर बता दिए दो छचूदर है तो आप कर लीजिए। उल्लू राजी हो गया, कौन उल्लू राजी नहीं हो जाएगा, सारे उल्लू राजा बनना चाहते हैं। सब लोग वापस लौट आए, उन्होंने कहा दोपहर में आपका स्वागत होगा, आपकी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा दोपहर में होगा, ओथ सेरेमनी हो जाएगी, आपको शपथ ग्रहण करना होगा, कल दोपहर आ जाइए, राजभवन आ जाइए। वे तो गए, रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई। अब लोमड़ी, लोमड़ी को हम पत्रकार कहते हैं अक्सर, वह पत्रकार थी, इसमें कहानी में भी पत्रकार है, लोमड़ी को पत्रकार कहते हैं। तो उसने मंत्री महोदय से कहा राष्ट्रपति तो मिल गए, अब देश का भाग्य सुधर जाएगा। तो लोमड़ी के पास तो क्या था कि लोमड़ी तो थोड़ा तेज दिमाग होती है, पत्रकार तो तेज दिमाग होता है, तो पत्रकार तो सवाल पूछेगा। तो लोमड़ी ने पूछा कि भैया अंग्रेजी जानते हैं? हो सकता है इंग्लैंड में पैदा हुए हो, या एंग्लो इंडियन हो, या फिर खानदानी रईस हो, कोई बात, जिनको रात में भी दिखाई पड़ता है, मुल्क में अंधेरा भारी है, यहाँ तो कठिनाई है, रात में किसी को दिखाई नहीं पड़ता और मुल्क में घना अंधेरा है, लेकिन लोमड़ी तो पत्रकार थी, ये सारी बातें उस पर असर नहीं कर रही थी कि इतनी सारी उन्होंने जो कसीदे पढ़े, जो तारीफें की। लोमड़ी कह रही क्या जिसको रात में दिखाई पड़ता है जरूरी है उसको दिन में भी दिखाई पड़े, जो रात में दिखाई पड़ता है क्या जरूरी है उसको दिन में भी दिखाई पड़े? तो लोमड़ी का प्रश्न तो वाजिब था भाई, रात में देखने का मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि दिन में भी दिखाई पड़े। तो सारे मंत्री, गधे मंत्री बोले बेवकूफ हो, जिसको रात में दिखाई पड़ता है उसको दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? मतलब उन्होंने उल्लू से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आपको दिन में भी दिखाई पड़ता है, लोमड़ी का सवाल तो वाजिब था कि भाई जिसको रात में भी दिखाई पड़ता है क्या उसको दिन में भी दिखाई पड़ता है? अब उल्लू को कहीं दिन में दिखता है, उल्लू तो अंधा हो जाता है, लेकिन किसी ने लोमड़ी को साइड कर दिया, लोमड़ी पत्रकार थी, उसके कह रहे क्या बचकाना सवाल कर रहे हो, आप हट जाओ, आपका सवाल सही नहीं है, आपका सवाल गलत है, लोमड़ी हट गई साहब। दूसरे दिन उल्लू सज धज कर चला, लेकिन तब दोपहर थी, सूरज ऊपर था, उसके बड़ी मुसीबत हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, किसी तरह चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, लोगों से टकराने का डर था, लेकिन लोगों ने कहा देखो कितना कुलीन है, कितना सज्जन है, कितना धनी व्यक्ति है, कितना आदर्शशाली व्यक्ति है, कितना आराम से चल रहा है, कितना प्यार से चल रहा है, कितना धीरे धीरे चल रहा है, कितना गंभीर है। वह अपने को डरा हुआ उसको अब ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम आ गया, यानी उसकी चाल जो डरी हुई चाल थी उसको भी लोगों ने, लोग तो लोग ही हैं, लोगों ने कह दिया ये डरी हुई चाल नहीं है, ये तो इसके लिए बड़ी ही अच्छी चाल है, कुलीन आदमी है। अब वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चला। अब दिन का वक्त था, दोपहर तेज थी, तेज धूप पड़ने से फूलमालाएं और फोटोग्राफर की चकाचौंध से उसको दिखाई कम देने लगा उल्लू को। उल्लू को बड़ी दिक्कत में पड़ गया, अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, वो किसी तरह वापस भागकर अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन झंझट छूटे, अंधे होने का पता ना चले, तो वो क्या करे? जैसे ही वो आगे चला सारे जानवर उसके पीछे चल दिए, सारा मंत्रिमंडल पीछे चल दिया। अब उल्लू को कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, वह गड्ढों में गिरता पड़ता, रास्तों में उल्टे सीधे हिस्सों में पहुंच जाता, तो उसके पीछे उचक उचक कर जानवर भी गिरते पड़ते चलने लगे, क्योंकि जहां नेता जाता है वहीं तो फॉलोअर जाते हैं, नेता अगर गड्ढे में जाएगा तो फॉलोअर भी गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि फॉलोअर तो उसको फॉलो कर रहे हैं, ये तो हमारा नेता है, इसने तो सारा, इसके तो सारी नॉलेज है, ये तो इसको तो रात में भी दिखाई पड़ता है। अब लोमड़ी ने तो पूछा था दिन में भी दिखाई पड़ता है, वो तो भाग रहा है अपने घर की तरफ नेता, कि मैं अपनी जान बचाऊं, उल्लू तो भाग रहा घर की तरफ और गधे मंत्री सब पीछे चल रहे हैं, सही जा रहा है, देश को तरक्की पे ले जा रहा है। लोग गिर रहे, लोगों की टांगें टूटी, उल्लू ने कहा घबराओ मत, हम जब राष्ट्र के नेता बने तो राष्ट्र पर मुसीबत आती है, जब राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो चोट भी लगती है, परेशानी भी होती है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें मजबूती के साथ चलते रहना चाहिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि गड्ढों में चलोगे तो चोट तो आएगी, ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा ये तो त्याग है, ये तो बलिदान है, जैसे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, राष्ट्र की नीतियों की वजह से देश में बहुत सारे चीजें पनप जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, तो कहते ये तो बलिदान है, तो उल्लू ने उसको जस्टिफाई कर दिया, बिल्कुल मत घबराओ। कुछ लोग मरने लगे, कुछ पशु तो छोड़कर ही भाग गए, लेकिन मंत्रिमंडल के लोग कहाँ जाते, जो गधे थे वो कहाँ जाते, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो घुस जाए उसके लिए फिर भागने का कोई मौका नहीं है, ना तो वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे जा सकता है।
अगर अब तो उसे राष्ट्रपति के पीछे ही जाना होगा, क्योंकि वो नियम से बंधा हुआ था, उन्होंने शपथ ले रखी थी। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग मर गए, तो राष्ट्रपति ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी पत्नियों को महावीर चक्र प्रदान कर दिया जाएगा, तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, तुम्हारी फोटो देश में लगाई जाएगी, देश में तुम्हारा नाम होगा। देश में ऐसे, देश कोई ऐसे ही बनता है? देश में तो त्याग बलिदान देना पड़ता है। सब लोग विश्वास करने लगे, पीछे उसके पीछे पीछे चलने लगे, चलने की जरूरत थी, मरने से अब डर किसको था, क्योंकि अब तो बलिदान दिया जा रहा था। आखिरकार किसी तरह वो उस छोटे मोटे रास्ते से निकल गए जहां गड्ढा था, अब वो पहुंच गए हाईवे पे। अब हाईवे पे तो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, और उल्लू हाईवे पे चला जा रहा था, आगे चला जा रहा था, अब पीछे भीड़ चली जा रही थी, पीछे मंत्री चले जा रहे थे, कुछ बच्चे कुछ जानवर भी चले जा रहे थे। अब वो जानवर आ रहे हैं, उधर से ट्रक आ रहे हैं, बसें आ रही हैं, और कुछ जानवर चपेट में आ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुर्बानी होती है होने दो, लेकिन हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। उल्लू कहता है हम इसी मार्ग पे चलेंगे, देखिए कितने बड़े मार्ग पे आ गए हैं, हम चलते जा रहे हैं, दनदनाते हुए चलते जा रहे हैं। सामने से दनदनाता हुआ ट्रक आ रहा था, एक बहुत बड़ा ट्रक, हैवी ट्रक आ रहा था। उल्लू साहब को कहाँ दिख रहा था? उल्लू साहब को दिन में दिखाई नहीं पड़ता था। लोमड़ी का सवाल फिर याद करो, लोमड़ी ने क्या कहा था? क्या जिनको रात में दिखाई पड़ता है जरूरी है उनको दिन में दिखाई पड़ता है? लेकिन लोमड़ी को तो सबने मूर्ख कह दिया कि तुम लोमड़ी कैसी बात कर रही हो, जिनको रात में दिखाई पड़ता है उनको दिन में दिखाई भला क्यों नहीं पड़ेगा? तो ये जो सवाल था वो वहीं रह गया। वो अब उल्लू वहां से चले जा रहे हैं रोड पे, पीछे मंत्रिमंडल और पीछे बचे कुछ जानवर। सामने से ट्रक आया दनदनाता हुआ, उसने हॉर्न बजाया। उल्लू वहां से को तो इतनी जोश में थे कि वो इधर हटेंगे उधर हटें, जिधर ट्रक हटा बचाने के लिए उधर ही उल्लू वहां से हट गए, और जिधर उल्लू वहां से हट गए उधर ही उनका मंत्रिमंडल हट गया, उधर ही सारे जानवर हट गए, और ट्रक उन सब जानवरों पे चढ़ गया और सब कुछ सर्वनाश हो गया। देश के नेताओं की ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई आपको कि जो राजनीतिक नेता होता है बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, ये बड़ा स्वार्थी होता है। कोई भी सही आदमी राजनीति में बड़े पद पर जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें दूसरों की गर्दन पे पैर रख के ही आगे बढ़ना पड़ता है, और जो दूसरे के पैर रख के गर्दन पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ सकता वो आगे नहीं जा सकता। इसमें लोगों की कुर्बानियां हो जाती हैं, लोगों का तो महत्वाकांक्षी आदमी सेल्फिश होता है। तो इस देश को राजनेताओं की जरूरत नहीं है, इस समाज को, इस पूरी दुनिया को राजनेताओं की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स सबसे निकृष्ट होनी चाहिए, सबसे निचले स्तर पर होनी चाहिए, सबसे ऊपर सेवा होनी चाहिए। लेकिन राजनीति जब सबसे ऊपर हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति जो परिवार में कहते हैं रंडवे भी घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके परिवार में दो लोग भी साथ नहीं, जिनके परिवार तक नहीं है, वो लोग ऊंचाइयां छूते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जिनको समाज दुत्कार देता है, जिनको मोहल्ला गांव दुत्कार देता है, जा तू किसी काम का नहीं, और राजनीति में वो सफल हो जाता है। क्यों सफल हो जाता है? कि वो सेल्फिश है, और जो अपने बारे में सोचता है वही राजनीति में सफल हो जाता है। और ये जनता उन मंत्री उल्लू और जनता गधों की तरह उनके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि जनता तो कहती है कितना बड़ी कुर्बानी हो रही है, हम तो देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और ये जनता उतनी मूर्ख है। और इस जनता की आईक्यू को क्या किया? कोई लोमड़ी, कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ ले कि भाई, तो उस पर भी ये लोग आरोप लगा देते हैं। तो मोटी बात ये जो सीरीज शुरू हो रही है कि राजनीति में भूचाल, सबसे पहले राजनीति हमें कहाँ करनी चाहिए? राजनीति तोड़ने की कला है, तो राजनीति अपनों में तो नहीं करनी चाहिए। राजनीति दुश्मनों के साथ की जाती है, और अपने देश में कोई दुश्मन नहीं होता। अगर आपको राजनीति करनी है तो जिसे आप विदेश नीति कहते हो उसे ही राजनीति कहो। दो देशों को लड़ाओ, बाहर वाले देशों को लड़ाओ, अपने राज्य को सुरक्षित रखो। तो राजनीति का मतलब है कि आप बाहर करो, देश से बाहर करो। जैसे हम कहते हैं ना, परिवार में राजनीति मत करो, मोहल्ले में राजनीति मत करो, कंपनी में, आप यहाँ तक कहते हैं कि हमारी कोई महकमा है तो उसमें राजनीति मत करो। हम पॉलिटिकल पार्टी में भी कहते हैं राजनीति मत करो। इसीलिए मैं कहता हूँ देश में भी राजनीति मत करो, ये जात की, धर्म की, ये सब राजनीति। और अक्सर नेता कहते हैं, अभी कोलकाता का कांड हुआ था जो तो कहते हैं इसमें राजनीति मत करो। क्यों कह रहे हैं? ये हमारा विवेक कह रहा है कि राजनीति से नुकसान होगा। हाँ, तो इसका मोटी बात ये है कि राजनीति वहां करनी चाहिए जहां विदेश नीति है, वहां करनी चाहिए। जब दुश्मनों को तोड़ना है तो उनको आपस में लड़ाना है तो राजनीति। ये देश की प्रजा आपकी दुश्मन नहीं है, ये देश की प्रजा आपकी दोस्त है। हमको हरियाणा चुनाव में, आगे मैं बताऊंगा, हमको हरियाणा चुनाव में नोटा दबाना है, और नोटा दबा के हरियाणा चुनाव के अंदर अपना दर्ज करना है, अपना विरोध दर्ज करना है। मैं बताऊंगा कैसे विरोध दर्ज करना है। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम समझेंगे सहयोग असहयोग क्या है, और विरोध क्या है, और नोटा क्या है।
क्योंकि नोटा नोटा हमने एक कॉल तो दिया, हजारों लोगों ने उसको देखा, लाखों लोगों ने उसको मतलब लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। तो जो हरियाणा की कॉल है नोटा, कल मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सीरीज है, ये जो वीडियो है ये सीरीज है, इसमें कई सारे हिस्से हैं। तो आज पहला हिस्सा था, सिर्फ आज मैंने राजनीति पर आप कह लो व्यंग किया, कटाक्ष किया, कुछ भी किया, लेकिन इस देश को राजनीति की जरूरत नहीं है। और जो लोग कहते हैं अच्छी राजनीति बुरी राजनीति, मैं उनसे कहता हूँ ना अच्छी राजनीति चाहिए ना बुरी राजनीति चाहिए, राजनीति करो देश के बाहर, जैसे अमरीका करता है, सारी दुनिया को लड़ाता है और अपने देश में कम से कम राजनीति करता है। हम भी अपने देश में राजनीति ना करें, ना धर्म की ना जाति की, हम भी अपने देश में सेवा नीति लाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद।